बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9.1। स्टेटमेंट देखें इस न्यूमेरिकल की। आपने यंग एक्सपेरिमेंट यूज़ किया। उस यंग एक्सपेरिमेंट में आपने लाइट फॉल की, लाइट एलिमिनेट की, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इज़ इक्वल टू 546 नैनोमीटर। इसको चेंज कर लें नैनोमीटर को मीटर्स में, 546 क्रॉस 10 की पावर -9 मीटर्स। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखें कि सेपरेशन जो स्लिट्स के दरमियान है, जिसको डी बोला गया, स्लिट के दरमियान में जो सेपरेशन है जिसको डी बोला गया, 0.10 मिलीमीटर, मिलीमीटर्स को मीटर में चेंज करें, 0.10 क्रॉस 10 की पावर -3 मीटर। इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया गया और जो स्क्रीन और स्लिट के दरमियान में डिस्टेंस है जिसको एल बोला गया, स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस जिसको एल बोला गया, उसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर्स को अगेन मीटर्स में चेंज करें, 20 क्रॉस 10 की पावर -2 मीटर। आपने फाइंड क्या करना है, एंगल फॉर फर्स्ट मिनिमम थीटा। फर्स्ट मिनिमम का मतलब है जी डार्क फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो पहले डार्क फ्रिंज आएगी वो फर्स्ट मिनिमम होगी। और फर्स्ट मिनिमम के लिए m इज़ इक्वल टू 0, m ऑर्डर है तो वो 0 होगा। ठीक है जी, सॉल्यूशन फाइंड करें पहले इसका। फर्स्ट पार्ट पहले फाइंड करते हैं, देन मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। फार्मूला मिनिमा के लिए जो यूज़ किया जाता है वो डी ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 लैम्डा। ठीक है जी, जैसा कि मैं बताया, फर्स्ट मिनिमा फाइंड करना है, एंगल थीटा फाइंड करना है, तो फर्स्ट मिनिमम के लिए ऑर्डर जो है एम जो है वो 0 होता है। एम इज इक्वल टू 0, एम की जगह पे 0 पुट करें, डी ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 लैम्डा। ठीक है जी, डी ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2d, डी को डिवाइड कर दें दूसरी साइड पे। ठीक है, साइन ऑफ थीटा, लैम्डा आपके पास कितना है, 546 क्रॉस 10 की पावर -9 2, और डी कितना है आपके पास, सेपरेशन 0.10 क्रॉस 10 की पावर -3। ठीक हो गया जी, इसको इस पोर्शन को आप सॉल्व करें। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0.00273। थीटा फाइंड करना है तो साइन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, 0.00273। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो एंगल थीटा आपके पास 0.16 डिग्री। ठीक है जी, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट पार्ट का। मिनिमम एंगल जो आपके पास आएगा, फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट मिनिमम एंगल जो आपने फाइंड करना था वो थीटा इज इक्वल टू 0.16 डिग्री। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फ्रिंज स्पेसिंग आपने या लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मैक्सिमास, मतलब आप ये मैक्सिमा 2 ले ले, आप यहाँ से 2 मैक्सिमा ले ले, 2 एडजेसेंट मैक्सिमास, उनमें डिस्टेंस आपने लीनियर डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको फ्रिंज स्पेसिंग भी कहते हैं, डेल्टा वाई। फ्रिंज स्पेसिंग के लिए जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा वाई एल लैम्डा ओवर डी, डी सेपरेशन है दोनों स्लिट्स के दरमियान, एल जो है वो स्क्रीन
और स्लिट के दरमियान डिस्टेंस है, और लैम्डा आपके पास लाइट की वेवलेंथ है। वैल्यूज को पुट करें यहाँ पे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल कितना है 20 × 10⁻², और लैम्डा 546 × 10⁻¹। डी आपके पास कितना है 0.10 × 10⁻³। ठीक है जी, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, डेल्टा वाई की वैल्यू आपके पास आएगी 10⁻³ मीटर, 1.092 मिलीमीटर इसको लिख सकते हैं, और इसको मज़ीद आप राउंड ऑफ कर दें, डेल्टा वाई आपके पास 1.1 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ये आपके पास सॉल्यूशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9.1 का।